डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 4 का ये साइंस का बुक है, यूनिट 2 फूड, जिसमें दिया हुआ है भोजन के बारे में। चैप्टर 2.1 है। चैप्टर का नाम है हाउ वी गेट आवर फूड, हम लोग अपना भोजन कैसे पाते हैं। इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ना है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, भोजन हम लोग पौधे से पाते हैं। वेजिटेबल्स जैसे कि सब्जी हो गया, रूट, ऐसे ही कुछ भोजन होते हैं जो जड़ होते हैं और हम लोग उसे खाते हैं, इसलिए रूट दिया हुआ है। लीव्स हो गया, कुछ पत्तियां भी हम लोग खाते हैं। स्टेम्स तना खाते हैं। फ्लावर्स फूल खाते हैं, फल तो खाते ही हैं। फ्रूट्स, सीरियल्स अनाज खाते हैं। पल्सेस दाल खाते हैं। और कॉफ़ी, टी एंड शुगर, ये इसको बेवरेज कहा जाता है, तो ये पीने में यूज होता है। कॉफ़ी हो गया, टी चाय हो गया, और शुगर चीनी, और ऑयल तेल हो गया। ड्राई फ्रूट्स जिसको नट कहा जाता है, मेवा कहा जाता है, सूखे सूखा फल। उसके बाद स्पाइसेस, मसाला, ये सारी चीज़ें हो गया। यहाँ से इन्हीं चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, भोजन जो हम लोग पौधे से पाते हैं। प्लांट्स गिव अस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, पौधे हमें वेजिटेबल्स, सब्जी, फल, सीरियल्स, अनाज और दाल, ये हमें प्रदान करते हैं, देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव अस कॉफ़ी, टी, शुगर, ऑयल एंड स्पाइसेस, और पौधे कॉफ़ी, चाय, चीनी, तेल और मसाले भी हमें देते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और भोजन जो है हम लोग पौधे के अलग अलग भाग से पाते हैं। विच स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाई लीव्स ऑफ प्लांट्स, जो कि पौधे के जो पत्तियां होती हैं वो भोजन, उस भोजन को अतिरिक्त भोजन के रूप में स्टोर करके रखती है। जैसे कि हम लोग जितना भोजन इकट्ठा करते हैं उससे कम खाते हैं, और कुछ भोजन हम लोग स्टोर कर लेते हैं अगले दिन के लिए, अगले समय के लिए। तो उसी तरह से पेड़ पौधे भी वही करते हैं, भोजन जितना बनाते हैं उसमें से उसके खाने के बाद जो बच जाता है वो किसी पार्ट में जमा कर लेते हैं, या तो फ्रूट के रूप में जमा कर लेते हैं या फ्लावर के रूप में जमा कर लेते हैं, तो उस पार्ट को ही हम लोग खाते हैं। वी इट रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स, हम लोग पौधे के जड़ को, पत्तियों को, उसके तने को, उसके फूल को या फल को खाते हैं। इस पार्ट को हम लोग खाते हैं, सभी पौधे के एक ही पार्ट को नहीं खाया जाता, अलग अलग पार्ट को खाया जाता है। वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल्स में सब्जी में हम लोग क्या क्या खाते हैं। वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, सब्जियाँ हम लोग पौधे से ही पाते हैं। सम वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो सालों भर हमें प्राप्त होती है, मिलती रहती है। सम वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन वन सीजन ओनली, और कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सीजन में, एक मौसम में ही हमें मिलते हैं। सम वेजिटेबल्स आर बीटरूट, स्पिनेच, टर्निप एंड कॉलीफ्लावर, तो कुछ वेजिटेबल ये हैं जो नाम दिया हुआ है, बीटरूट है जो कि एक प्रकार का रूट ही है। उसके बाद स्पिनेच ये हो गया, पालक हो गया, ये जितने प्रकार के साग आते हैं वो सारे साग जो है स्पिनेच के अंदर ही आ जाते हैं। टर्निप, शलजम हो गया, और कॉलीफ्लावर, फूलगोभी। वी इट रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स एज वेजिटेबल्स, कुछ पौधे के इस भाग को हम लोग रूट, कुछ पौधे के जड़, पत्तियां, तना और फ्लावर को सब्जी के रूप में हम लोग खाते हैं। रूट में अब दिया हुआ है, रूट में हम लोग कौन से पौधे का रूट जो हम लोग खाते हैं, जिसमें से दिया हुआ है बीट रूट हो गया, रेडिश, कैरोट एंड टर्निप आर सम ऑफ द रूट्स दैट वी इट एज वेजिटेबल्स, ये जो नाम दिए गए हैं इन सब पौधों के रूट को हम लोग खाते हैं वेजिटेबल के रूप में। तो यहाँ पे अगर सवाल आपको पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ चार नाम दिया हुआ है, बीट रूट है, रेडिश है, कैरोट एंड टर्निप, ये रूट है, ध्यान रखना है इसको। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे जो है आलू जैसे हो गया, ये जिंजर हो गया, अदरक हो गया, तो इसको रूट समझने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डिफरेंस पता करके रखना है, क्योंकि आपको पढ़ाई जो है अच्छे ढंग से करना है, तभी आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे लीव्स हो गया, तो लीव्स में पत्तियाँ आ गया, तो हम किसका लीव्स खाते हैं, स्पिनेच हो गया, स्पिनेच, पालक हो गया, लेट्यूस हो गया एंड कैबेज आर सम ऑफ द लीव्स दैट वी इट एज वेजिटेबल्स, इसमें तीन नाम दिया हुआ है, तो कॉमन नेम में क्या है, स्पिनेच और कैबेज, ये कहीं कहीं पे लेट्यूस नहीं मिलता, जैसे हमारे तरफ बहुत कम या बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ये चीज़ मिलता है, लेकिन जहाँ मिलता है उस उन लोगों को पता होगा।
लेट्यूस जो है उसका पत्तियों को खाया जाता है। स्पिनेच तो लगभग सभी लोग जानते हैं, कैबेज को भी जानते हैं, तो ये सारे पत्तियाँ ही होते हैं। इसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। अगर इस तरह के किस सब्जी के पत्तियों को खाया जाए अगर पूछा जाए तो इसका हम जवाब दे सकते हैं। स्टेम्स यहाँ दिया हुआ है, तना हो गया। पोटैटो एंड जिंजर आर सम ऑफ द स्टेम्स दैट वी ईट एज वेजिटेबल्स। आलू और अदरक कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिसे हम, जो सब्जियों का पौधे का ये तना का पार्ट है और जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। अगले पेज पे यहाँ पे है फ्लावर्स। कौन से सब्जी को, कौन से फ्लावर्स को हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इसमें दो नाम दिया हुआ है। ब्रोकली दिया हुआ है और दिया हुआ है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर फूलगोभी को कहा जाता है। ब्रोकली जो होता है वो भी फूलगोभी की तरह ही होता है। फ़र्क इतना होता है कि वो ग्रीन कलर का होता है और ये वाइट कलर का होता है। सम ऑफ द फ्लावर्स दैट वी इट्स इट एज वेजिटेबल। कुछ ऐसे फूल हैं ब्रोकली और फूलगोभी जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। उसके बाद फ्रूट। फ्रूट में तो नॉर्मली बहुत सारा चीज़ आ जाता है। ये वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। फल जो है हम लोग पौधे से ही प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। फल अनेक प्रकार के होते हैं। सम फ्रूट्स आर जूसी एंड फ्लेसी। कुछ फल जूसी मतलब रसदार होते हैं, रस से भरे होते हैं, और फ्लेसी गुदेदार होते हैं। सम ऑफ द फ्रूट्स दैट वी ईट आर ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स इटीसी। कुछ फल जिसे हम खाते हैं वे हैं, संतरा है, आम है, और सेब है, अंगूर है। इसके अलावा कई सारे फल हैं, बहुत सारे फलों में। फ्रूट्स कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फल हमें हेल्दी मतलब स्वस्थ और मजबूत बनाए रखता है, इसीलिए हमें फल लगभग रोज़ाना ही लेना चाहिए। लेकिन जो रोज़ाना ना ले सके तो कम से कम उसे 3-4 दिन गैप करके ज़रूर लेना चाहिए। फल ना लेने के पीछे रीज़न क्या आता है, लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो जिसके कारण फल नहीं ले पाते हैं, पैसे की कमी होती है। वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स डेली। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हमें रोज़ाना प्रचुर मात्रा में फल खाने चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रेन शुड ईट प्लेंटी ऑफ सीजनल फ्रूट। बढ़ते हुए बच्चों को सीजनल मौसमी फल ज़रूर खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, प्रचुर मात्रा में। मतलब जिस सीज़न का जो फल आता है, जैसे गर्मियों में अंगूर आता है, आम आता है, तो उस समय उसे खाना सही है, उस समय ही खाना चाहिए। सीजनल जो नहीं होते हैं तो वैसे फल आपको विशेष फ़ायदे नहीं पहुंचा सकते। सीरियल्स हो गया, तो सीरियल्स तो लेना ही है क्योंकि मुख्य भोजन हमारा यही है, अनाज है। वी गेट सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स। सीरियल्स अनाज जो है हम पौधे से पाते हैं। सीरियल्स आर द ग्रेन्स दैट कैन बी ईटन। सीरियल्स अनाज वह दाना है, भोजन वाला दाना जो होता है उसे ग्रेन्स कहा जाता है। सीरियल्स वह दाना है जिसे हम लोग खाते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो वो कौन से सीरियल्स, कौन सा ग्रेन्स है? राइस है, वीट है, मेज है। बार्ली एंड ज्वार आर सम ऑफ द सीरियल्स दैट वी ईट। चावल, गेहूँ, मेज मकई होता है, बार्ली जो होता है, आजकल के बच्चे इन सारी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। मैज हो गया, शहर में रहने वाले बच्चों को पता नहीं होता, कॉर्न या मैज उसी को कहते हैं। बार्ली, जो ज़्यादातर बच्चे लोग जो को नहीं जानते हैं, हालांकि जो से जो है मैदा बनता है, तो डायरेक्ट वो मैदा देखते हैं तो मैदा ही जानेंगे, किससे बनता है वो मालूम नहीं रहता। उसके बाद ज्वार हो गया, आर सम ऑफ द, तो ज्वार जो होता है वो कहीं कहीं पे देखा जाता है, बच्चे इसे समझना मुश्किल है, तो हम लोग बचपन में देखे हैं, अब देखने को ही मिलता ही नहीं, इसीलिए नहीं जान पाते हैं। वी मेक चपाती फ्रॉम द फ्लोर ऑफ व्हीट, मैज एंड ग्राम। हम लोग रोटी बनाते हैं किसका? आटे का। फ्लोर मतलब आटा हो गया, गेहूं का आटा, फ्लोर ऑफ व्हीट, तो गेहूं जो है और गेहूं से आटा बनता है। लोग डायरेक्ट, बच्चे क्या हैं, बच्चे डायरेक्ट आटा देखते हैं, इसीलिए उन्हें गेहूं का पता नहीं रहता है। तो आटा जो है गेहूं से बनता है। मैज एंड ग्राम, तो मैज से भी बनता है, मकई की रोटी बोला जाता है तो वही हो गया, इससे बनता है। और ग्राम मतलब है चने की रोटी, तो चने का रोटी कहाँ से बनेगा? वो बेसन का रोटी बन सकता है, और बेसन किससे बनता है? चना से बनता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया। पल्सेस हो गया, पल्सेस जिसको दलहन कहा जाता है, दलहन में कई प्रकार की चीज़ें आते हैं जिसको दाल हम लोग कहते हैं। वी गेट पल्सेस फ्रॉम प्लांट्स।
दलहन हमें पौधे से प्राप्त होता है। पल्सेस आर द सीड्स दैट कैन बी ईटन। पल्सेस दाल बीज है, एक प्रकार का ऐसा बीज है जिसे हम लोग खाते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बीन्स किडनी बीन्स ग्राम्स पीज एंड उरद आर सम ऑफ द पल्सेस दैट वी ईट। बीन्स सेम हो गया, या उस तरह के जितने भी छोटे बड़े सेम होते हैं उसके दाने जो होते हैं उसको दाल के रूप में यूज़ किया जाता है। किडनी बीन्स हो गया, इसको राजमा कहा जाता है, उसे भी हम लोग या तो सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं या दाल के रूप में यूज़ करते हैं। ग्राम्स चना, चना का दाल भी बनाया जाता है। पीज एंड उरद, पीज मटर हो गया, उरद हो गया, उरद का दाल होता है। उरद आपको ये कर्मा का त्यौहार जब आता है तो उस समय मुख्य रूप से मिलता है, उसी का उसी के द्वारा पूजा किया जाता है उसको। उस समय जितने भी उस त्यौहार को करते हैं लड़कियां, तो उस समय उसको खाने के लिए भी रहता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और सम ऑफ द पल्सेस दैट वी, इस तरह के पल्सेस जो है हम लोग खाते हैं। इसमें से कई सारे चीज़ बच्चे नहीं भी जानते हैं, जिसमें से मेन जो अरहर होता है वो चीज़ यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अरहर ही खाते हैं जिसको राहर दाल बोलते हैं। पल्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन, तो दाल जो होता है बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता पड़ता है। चिल्ड्रन शुड ईट प्लेंटी ऑफ पल्सेस इन देयर मील्स, बच्चों को अपने भोजन में प्रचुर मात्रा में दाल खाना चाहिए, तभी वे उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो सही मात्रा में हो पाएगा, अन्यथा जो है बच्चे अविकसित रह जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है, समय पे बढ़ते समय उसको प्रोटीन की कमी हो जाती है। बेवरेज हो गया, तो बेवरेज में दो तीन तरह की चीज़ें आता है, कॉफ़ी एंड टी। तो टी कॉफ़ी में दिया हुआ है, शुगर का नाम दिया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, शुगर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। रीजन क्या है कि कॉफ़ी और टी हम बनाते हैं तो उसमें शुगर डालते हैं, शुगर की हमें आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है। प्लांट्स गिव अस कॉफ़ी एंड टी टू ड्रिंक, ये पौधे से ही हमें कॉफ़ी और चाय मिलते हैं और जिसे हम पीने के रूप में यूज़ करते हैं। कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट, कॉफ़ी हमें कॉफ़ी के पौधे से मिलता है, कॉफ़ी का पौधा होता है और उसमें कॉफ़ी लगता है, तो लोग उसको जाते हैं चुनते हैं और वहाँ से प्राप्त करते हैं। टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी प्लांट, और चाय जो होता है तो चाय की पत्ती, चाय का एक पौधा होता है और उसकी पत्तियों को तोड़कर फिर उसको चाय पत्ती बनाया जाता है। शुगर, वी ऑल्सो गेट शुगर फ्रॉम प्लांट्स, और चीनी भी हम लोग पौधे से ही पाते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन, यह ईख के पौधे से बनता है जिसे लोग डायरेक्ट भी खाते हैं या फिर गन्ने का जूस पीते हैं। गर्मियों के दिन में खासकर आप कई जगह देखते होंगे गन्ने के इस तरह के स्टॉल लगा कर रखते हैं जिसमें गन्ने के जूस वो बेचते हैं, तो गर्मियों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें गर्मी से बचाता है। ऑयल, वी गेट ऑयल फ्रॉम सम प्लांट्स, कुछ पौधों से हमें ऑयल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। द सीड ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग ऑयल, कुछ पौधे के दानों से, उसके दाने से हमें ये तेल प्राप्त होता है। सम ऑफ द प्लांट्स दैट गिव अस ऑयल आर कैस्टर सनफ्लावर मस्टर्ड एंड कोकोनट, उसमें से चार नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कैस्टर एक इस तरह का पौधा होता है, कैस्टर आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। कैस्टर एक प्लांट होता है, उसका पौधा जो है उसका तेल आवश्यक होता है मोमबत्ती वगैरह बनाने के लिए, और सनफ्लावर, सनफ्लावर तो आप लोग जानते हैं उसका जो तेल निकलता है तो उसको लोग खाते भी हैं, रिफाइंड तेल के जगह पे उसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद हो गया मस्टर्ड, मस्टर्ड तो कॉमन तेल हो गया, इसको इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। एंड कोकोनट, और कोकोनट ऑयल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ज़्यादा कोकोनट उगता है वहाँ पे सब्जी उब्जी भी कोकोनट ऑयल से ही बनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे पेज पे यहाँ पे दिया हुआ है, ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पोजेस, तेल कई उद्देश्यों के लिए उपयोग होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, या भोजन पकाने के लिए उपयोग होता है। सम ऑयल्स आर ऑल्सो यूज एज हेयर ऑयल्स, और उसमें से कुछ तेल ऐसे होते हैं जिसको बालों में लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स सूखा फल हो गया, जिसको नट कहा जाता है, हिंदी में मेवा कहा जाता है। सम प्लांट्स गिव अस ड्राई फ्रूट्स, कुछ पौधे हमें सूखे फल भी देते हैं। सम ऑफ द ड्राई फ्रूट्स आर कैसूनट, कैसूनट मतलब काजू हो गया, तो उसी तरह का फलता है, उसको तोड़ने के बाद कुछ दिनों में वो
उस तरह से हो जाता है जैसे कि हम लोग खाते हैं। ग्राउंडनट हो गया, ग्राउंडनट जिसको मूंगफली कहते हैं, वॉलनट हो गया, अखरोट जिसको कहते हैं, और आमंड हो गया, आमंड पिस्ता बादाम जो होता है, इटीसी। ये इस तरह के ही आते हैं। जैसे ये हो गया किशमिश हो गया, तो किशमिश जो होता है वो सूखा कर बनाया जाता है, वो डायरेक्ट उस तरह का अंगूर अंगूर ही किशमिश बनता है। तो अंगूर जो होता है वो तो ड्राई फ्रूट नहीं है, लेकिन उसको सुखाने के बाद ड्राई फ्रूट बनाया जाता है। वो किस तरह से बनाया जाता है आपको यूट्यूब पे कई वीडियो होंगे, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है। देखिए स्पाइसेस हो गया, उसके बाद स्पाइसेस कई तरह के मसाले होते हैं, मसाले जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, और मसालों के बगैर भोजन जो है उसमें टेस्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट्स ऑल्सो गिव अस स्पाइसेस सच एज, पौधे से भी हमें मसाले भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिनामन हो गया, कार्डामम, क्लोव, टर्मेरिक, जिंजर, क्यूमिन सीड एंड पीपर। सिनामन जिसको बोलते हैं, दालचीनी जिसको बोलते हैं, दालचीनी वो लकड़ी की तरह होता है, गरम मसाले के पैकेट में आप देख सकते हैं, दालचीनी हो गया, उसके बाद कार्डामम, कार्डामम इलायची हो गया, क्लोव, ये लौंग, टर्मेरिक हल्दी हो गया, जिंजर ये हो गया आपका, अदरक हो गया, क्यूमिन सीड, जीरा एंड पीपर, गोलकी हो गया जिसको काली मिर्च कहते हैं, पीपर ब्लैक पीपर वही होता है। इसके अलावा कई सारे मसाले हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल इन मैनी वेज, ये कई तरह से हमारे लिए उपयोगी है। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो हम लोग ज़्यादातर जो भोजन है वे हम पौधों से ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स जितने यहाँ पे चैप्टर में दिया गया है सारे पौधे से बताया गया है कि हम अपना भोजन जो है ज़्यादातर 90% भोजन हम पौधों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर सही है तो फिर आप लिखेंगे, अन्यथा हम आपको स्क्रीन पे दे देंगे। ये एनी फोर सीरियल्स, सीरियल्स दिया हुआ है, तो राइस, वीट, स्पेलिंग आपका यहाँ पे कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए हम स्क्रीन पे आपको दे देंगे, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा लिखने के बाद वो गलत भी लिख लेते हैं तो उसे पता नहीं चलता है। मेज हो गया, बार्ली हो गया, राइस, वीट, मेज, बार्ली, उसके बाद फोर पल्सेस दिया पूछा गया यहाँ पे, बीन्स हो गया, ग्राम, पीज, उरद, उसके बाद एनी टू फूड आइटम्स ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, टोमेटो एंड कैरेट दिया हुआ है, टोमेटो भी कच्चा खाया जाता है, इसके जगह पे आप रेडिश दे सकते हैं, रेडिश एंड कैरेट जो कि वहाँ पे दिया हुआ है। एनी थ्री नॉन वेजिटेरियन फूड, एग हो गया, एग, मीट, फिश, तो मैं आपको टोटल जो है आपको स्क्रीन पे लिख कर दे दूँगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया टू नंबर पे, वेयर इज द एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट्स गेट्स स्टोर, पौधे पत्तियों के द्वारा जो बनाए हुए भोजन के एक्स्ट्रा फूड को कहाँ जमा करता है, एक्स्ट्रा फूड को यहाँ लिखा हुआ है, द एक्स्ट्रा फूड मेड बाय प्लांट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, एक्स्ट्रा फूड पौधे जमा करता है कहाँ पे, अलग अलग भाग में जमा करता है वो बतलाया, जैसे कि रूट, जड़ में, स्टेम में, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये भी सही है, तो मैं सूटेबल तरीके से लिख के आपको दे दूंगा। आगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इस पिक्चर को देखने के लिए कह रहा है, कैबेज है, पीज, स्पिनिच, कैरोट, टर्निप और क्या ये किडनी बीन्स, इसको देख करके आंसर देना है। वी ईट द रूट ऑफ कैरोट और ये दिया हुआ टर्निप, ये रूट में आता है, ये दो सब्जी जो है रूट में आ रहा है। उसके बाद वी ईट द लिप्स ऑफ, तो लिप्स किसके पत्ते हम लोग खाते हैं, एक कैबेज हो गया और ये स्पिनिच हो गया। उसके बाद वी ईट द सीड्स ऑफ, यहाँ पे कैबेज और स्पिनिच दिया हुआ है सही है, कैरोट और टर्निप दिया हुआ ये भी सही है। उसके बाद वी ईट द सीड्स ऑफ पीज एंड बीन्स, बीन्स लिख सकते हैं, किडनी बीन्स सेम एक वही चीज़ है, बीन्स, बीन्स भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। और अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।